नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा रही है चुनाव संबंधी ट्रेनिंग। युवाओं को वोट बनवाने के लिए चुनाव विभाग ने किया आह्वान। युवाओं को वोट बनाने के प्रति उत्साह भी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा चुनाव विभाग द्वारा सभी प्रकार के प्रबंध जोरों पर किए जा रहे हैं। चुनाव विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ मतदाताओं को भी ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी जागरूकता की जा रही है। चुनाव विभाग के कानूनगो शमशेर सिंह ने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कैथल में जिला के अलग अलग चरणों में विधानसभा के अलग अलग इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ पीछे हुए लोकसभा चुनाव में कैथल जिला किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई थी और पूरी तरह से चुनाव विभाग और जिला प्रशासन के लिए फ्री एंड फेयर चुनाव संपन्न करवाने में कामयाबी हासिल की थी। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि विधानसभा जो चुनाव है बिल्कुल हमारे निकट है, किसी समय भी जो है इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा कर सकता है, तो उस संबंध में हमारी जो है नी ई वी एम मशीनें जो है नी बिल्कुल तैयार हैं, उनकी FLC हो चुकी है। उसके साथ साथ जो है नी जो वोट बनाने का जो काम है वो हमारा चल रहा है। अगर कोई मतदाता जिसका जो युवा मतदाता है जिसकी 18 साल की उम्र हो गई है तो वो अपना वो जो है नी वोट बनवा सकता है। और जो है नी जो वोट कटवाने का है, करेक्शन करने का, वो फिलहाल काम अभी बंद है। जो नया सिर्फ वोट है वो हम डेली फार्म ले रहे हैं और वो जो यानी वोट बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर जो तैयारियां हैं हमारी, सभी जो टीमें बनाई गई हैं, जैसे मले ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सुपरवाइज़र हैं, सी विजिल की जो टीमें हैं, सुविधा की जो हो गया, अलग अलग जो यानी तरह की जितनी भी टीमें बनाई हमने, एक्सपेंडिचर की टीमें हैं, सभी की जो यानी ट्रेनिंग उपायुक्त मुद्दे की देख रेख में करवा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है नी हमने एक शेड्यूल बनाया है जो कि 50-50 शिक्षक के ग्रुप में जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी आगे विधानसभा चुनाव में लगनी है, उनके हमको हम जैसे पंचायत भवन है उसके अंदर हमने ईवीएम का एक सेट रखा हुआ है, वहाँ उनको जो है नी 50-50 सेट के शिक्षक के जो है नी एक ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ईवीएम के बारे में पूरी जो है नी जानकारी दी जा रही है, किस प्रकार से सील करनी है, ताकि मॉक पोल के दौरान या सारा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान किसी प्रकार की भी कोई ऐसी हमारी तरफ से कमी ना रहे कि जो है नी कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी आँच आए कि भाई इलेक्शन इस वजह से जो है नी डिस्पोज हो गया है। तो ऐसी जो है नी सभी प्रकार की जो है नी हम जो भी जितने भी कर्मचारी हैं जिले के अंदर उनका एक शेड्यूल बना हुआ है विधानसभा क्षेत्र वाइज। जो है नी जैसे पुंडरी ब्लॉक लेवल पर एक ट्रेनिंग चली हुई है, गुला की ब्लॉक लेवल पर एक ट्रेनिंग चली हुई है, कलायत की जो है नी कलायत में जो है नी BDO ऑफिस में एक ट्रेनिंग चली हुई है, जिसमें जो है नी कलायत के जितने भी ऑफिसिज हैं कैथल में भी हमने जो है नी जितने कैथल ब्लॉक में हैं, जितने कैथल जिले के अंदर जो ऑफिस हैं उनको हमने एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है। शेड्यूल का विस्तार से आपको बता देंगे, 12 तारीख से लेकर के 30 सितंबर तक का शेड्यूल दिया हुआ है कि उसमें जो है नी सुबह 9 से 5 के समय में जब भी कर्मचारी को समय मिले तो वो अपना जो है नी उस स्थान पर जाएं, और उनका डेट फिक्स की हुई है। जैसे आज जो है नी एक्शन पब्लिक हेल्थ आएगा, आज एक्शन जो है नी PWD आएगा, तो अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज हमने ये बंटवारा किया हुआ है, डेट दी है और उनका समय दिया हुआ है और 9 से 5 का समय दिया है, ताकि ये ना हो बे एकदम ऑफिस खाली हो जाए। कुछ कर्मचारी सुबह भी ले सकते हैं, कुछ कर्मचारी शाम को भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें सभी के जो है नी हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। अगर उसमें हम देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी ट्रेनिंग ली है, अगर फिर भी वो रहे हुए हैं तो बाद में उनको नोटिस जारी किया जाएगा कि आप जो है नी आपके डिपार्टमेंट के इतने नहीं आए हैं। किसी भी जो जितने स्कूल हैं उनका भी हमने DO को एक शेड्यूल बना हुआ है कि आज JBT टीचर आएंगे, आज लेक्चरर आएंगे, आज जो है मतलब SS मास्टर आएंगे, और जितना DO का स्टाफ है वो इस दिन आएगा, BO का स्टाफ इस दिन आएगा। तो हर एक का हमने जो है नी शेड्यूल बना करके वोट बनाने की प्रक्रिया तो ऐसा है, जो हमारा जो जब नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे उससे जब हमारी डिक्लेरेशन जो डेट आएगी, अब जिस दिन भी हमारे आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उस दिन तक का एक अलग से सप्लीमेंट बनेगा। उसके बाद भी कमीशन जो है नी ये कहता है कि वोट बनाने जारी रहेगा, 7 दिन पहले तक भी अपना फार्म दे सकता है।
नॉमिनेशन से, ताकि 7 दिन का समय लगता है फार्म को सबमिट करवाने में। उसके बाद उसका लिस्ट में नाम आएगा, नाम आ जाएगा, ताकि वो जो है नहीं, अगर कोई ऐसा मतदाता है जिस जो ये चाहता है कि मैंने चुनाव लड़ना है, तो वो जो है नहीं अपना वोट बनवा करके भी चुनाव लड़ सकता है। और वोट डालने का भी हकदार होता है, और वोट डालने का भी हकदार होता है। और हमने स्कूल, सभी कॉलेज और स्कूलों में भी जो है नहीं एक कैंप लगाया हुआ है कि अगर हमने नोडल अफसर बनाए हुए हैं सभी कॉलेजों में, कोई भी बच्चा जिसकी 31/12/2000 तक की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अपना जो है नहीं 6 नंबर फार्म भर के जल्दी से हमारे ऑफिस में, कार्यालय में, कॉलेज की तरफ से भिजवाएं, ताकि हम उसका वोट बनाएं और वो अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार अपने मत का प्रयोग करें। हम ये जो है नहीं ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे ज़िले में किसी प्रकार की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, कहीं से भी किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की या किसी की भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास, वह जिसका जो है नहीं मतलब जो ज़्यादा गहराई में गया हो, तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो विधानसभा जो चुनाव हमारा होने जा रहा है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से करवाएं, इसमें किसी प्रकार की भी कोई कंप्लेंट ना आए किसी। नमस्कार, मैं गांव सोंगल से बिलोंग करता हूं, और मैं यहां पे कथल वोट कार्ड के लिए आया था भाई, मेरा वोट कार्ड बना नहीं है, अभी बनवाने आया हूँ मैं, कि मैं जो अगले लखनऊ विधानसभा उसके लिए अपनी मर्जी से मतदान करूँ, कि बढ़िया सरकार को चुनूँ भाई, आगे जो सरकार भविष्य के लिए सरकार आए उसके लिए वोट कार्ड बनवाने के लिए मैं कैथल यहाँ सुना। मैं यहाँ पे टाइपिस्ट के पास गया था मतलब कोई काम से, उसने मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया भाई मेरे को वोट कार्ड बनवाना है, वो कहाँ बनेगा, फिर उसने रूम नंबर दिया भाई 301 रूम नंबर में जाओ, चुनाव निर्वाचन में जाओ भाई, वहाँ पे आपका वोट कार्ड बनेगा। फिर यहाँ से एक फॉर्म नंबर 6 मिला, और वो बनने के बाद मेरा वोट कार्ड अप्लाई कर दूँ फॉर्म, वो उसके बाद मेरा वोट कार्ड बन जाएगा, और जल्दी से मेरा वोट कार्ड आ गया तो मैं आगे मतदान कर सकूँगा भाई, मेरे को खुशी होगी भाई कि मैं मेरा वोट मतदान कर रहा हूँ आगे मेरे वोट से सरकार, मेरे को बहुत खुशी है कि आज मेरा वोट कार्ड बनेगा, आज ही मतलब अप्लाई करूँगा और आज ही रसीद मिल जाएगा घर जो भी है, और आगे मैं सरकार को जौन सी सरकार बनेगी उसके अपने मतदान करूँगा, मेरे को बहुत खुशी होगी। कहना चाहूँगा भाई आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, आप वोट कार्ड बनाओ आगे, आप अपनी मर्जी का मतदान करो आगे भाई, सरकार भविष्य के लिए आप सरकार बहुत आगे चलेगी। हाँ बनवाना चाहिए सर, जो 18 साल से ऊपर है उनको वोट कार्ड बनवाना चाहिए और आगे मतदान करना चाहिए, उसको खुशी मिलती है जैसे भाई मैंने वोट मतदान दिया। और मैं सरकार से चाहूँगा जो आगे बच्चों का या मतलब हमारा जो भी है भविष्य बनाए, आगे बेरोजगार को बंदा रोजगार दे, आगे अच्छे काम हो, यही मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए मतलब जिसको मैं वोट दूँ वो अच्छी सरकार आए और काम भी बहुत जोर शोर से करे, ताकि आगे ये ना हो भाई सरकार को ऐसे काम किया वैसा किया, भाई अच्छे काम करे ताकि लोगों को ऐसा हो भाई आगे इसको वोट देना है, इसको मतदान करना है। मेरा नाम अमृत सिंह है, मेरा गांव राजौंदा, हम यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में दिक्कत थी हमारी मिसिज के, उसका नाम ठीक करवाने हैं, क्या अंदर गए हुए हैं तो बाहर आएंगे तो पता चलेगा। तो क्या सोचिए सर, जो भी विधायक हम चुने वो हमारे लिए अच्छे काम करे और हल्के के लिए भी अच्छे काम करे, बस यही है। वोट डालना तो सबका हक है, वोट डालनी चाहिए, अगर हम वोट नहीं देंगे तो हम विधायक कैसे चुनेंगे, अगर विधायक नहीं चुनेंगे तो हमारे कार्य कैसे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल डेमोक्रेसी कंट्री है हमारी, तो हमें मतदान जरूर करना चाहिए।